गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बालिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11th की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि एक बहुत ही मैथ्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी, इट्स लाइक अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। डिसीजन लेने में हमारा हमेशा मदद करता है, तो और इसके बहुत सारे फायदे भी हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग 16.3 लगा रहे थे। तो 16.3 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था, 16 मैंने कराया नहीं था। ठीक है, 16 के लिए मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, तो फिर बाद में ही बताऊंगा। ठीक है, अभी एक बार रहने दीजिए, क्योंकि इसके लिए मुझे एक्चुअल लिंक क्या है वो मैंने अभी नहीं देखा है। ठीक है, चलिए जा रही हूँ। सो देखिए, हेलो शैलजा, आवाज आ रही है? शैलजा आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पहले से जानते हैं कि ए एंड बी आर द इवेंट्स। तो 17 के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, फिर हम लोग 17, 18 ये सब चार पांच क्वेश्चन लगा के इसको कंप्लीट करेंगे आज। इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन एंड ए इंटरसेक्शन, ए एंड बी दिया है ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू दिया है। पहले आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो ये नॉट ए निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ये भी कल बताया था शायद, है ना। तो 18 वाले पे आ रहा हूं मैं सीधे अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इन अ क्लास 11 ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ द स्कूल स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी कि ऐसे भी कोई फील्ड होती जिसमें मैथ्स और बायो साथ में होता है। ओके, इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। देखो क्या दिया है आपको, तीन इवेंट्स दिया है। मान लो मैं तीन इवेंट्स डिजाइन करूं, एम चूजन स्टूडेंट इज ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही स्टूडेंट होना चाहिए। और एक इवेंट बी बिना बना देते, चूजन स्टूडेंट इज ऑफ बायोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग। बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाल के रिसर्च में किसी एक पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है पिक के हार्ट से, पता है कि नहीं, और सक्सेसफुल रहा है वो, सक्सेसफुल रहा है रियल में। अमेरिका में ही हुआ है, अभी हफ्ते भर पहले की बात है, कि एक पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी था, क्योंकि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो उसकी डेथ हो सकती है। और सिर्फ एक बार में हार्ट, मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट का केस इतना रेयर है, मतलब इतना मुश्किल है, क्योंकि हर बार किसी एक, अगर आपके हाथ में एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक किडनी है, तो उसके लिए ऑलरेडी 10 कैंडिडेट खड़े हैं दावा करने के लिए, और 1,00,000 लोग बाहर खड़े हैं उस किडनी के लिए, यानी कि 1,10,000 लोग हैं उस किडनी के लिए एक बार में। तो इतनी कमी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, और इतने लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता ना, तो इसीलिए डॉक्टरों ने नया उपाय लगाया, क्यों ना हम किसी एनिमल का लगा सकें। तो उन्होंने पाया कि पिक का और ह्यूमन का जो है हार्ट बहुत मैच करता है, तो क्यों ना ट्रांसप्लांट करके देखा जाए। तो ट्रांसप्लांट कर दिया और सक्सेसफुल रहा, तो अभी वो आदमी जी रहा है। ठीक है, हालांकि अगर वो नहीं किया जाता तो वो डेफिनेटली वो आदमी मर जाता, तो इससे अच्छा तो कर ही दिया जाए। तो इस पे आते हैं। तो आपको ये दिया गया है कि आपको जब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट चूज किया गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज 40%, 40% स्टूडेंट स्टडी। एक बात बताओ, क्लास में 40% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स के करते हैं, तो अगर आप चूज करने जाओगे तो यानी कि 100 में से 40 स्टूडेंट है, यानी कि 40/100, यानी कि 0.4 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एम की, 0.4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आ रहा है ना समझ में। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 30 दिया ना, और लास्ट में क्या दिया है, एम इंटरसेक्शन बी, कितने लोग हैं, 10%, 10%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी इज 0.1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन स्टूडेंट इज आइदर मैथमेटिक्स और
बायोलॉजी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी निकालना है, सारी की सारी वैल्यूज रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम रख दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रख दो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी रख दो। कौन से? वही तो किया है ये। हाँ वो भी कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं। शैलिजा आपको आवाज आ रही है क्या? यस सर। कुछ पूछना है बेटा? नो सर, लेकिन आप एक क्वेश्चन नंबर 16 वाला बता रहे थे ना कल। हाँ 16 वाला बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, मैं ही बताऊंगा 16 वाले के लिए। मेरे को कुछ अभी देखना पड़ेगा एक बार, मैंने अभी देखा नहीं है। हो सका तो अगर अभी होगा तो थोड़ी देर दिमाग लगाऊंगा उस पे और खोज के बता दूंगा, ठीक है? लेकिन बता दूंगा, डोंट वरी। ओके। इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.9995। एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब यूनियन, एटलीस्ट वन ऑफ देम या तो पहला हो जाए पास कर ले, या तो दूसरा पास कर ले, या तो दोनों कर ले। यूनियन का मतलब भी तो यही होता है, या तो ए हो जाए, या तो बी हो जाए, या तो दोनों हो जाए। समझ गए? तो आपको क्या क्या दिया है यहाँ पर, बहुत आसान सा है सवाल है। आप तीनों इवेंट डिजाइन करेंगे, ठीक है ना? मान लीजिए ए है पासिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन, बी है पासिंग सेकेंड एग्जामिनेशन, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी गई है, दिख रहा होगा आपको बुक में, है ना? और लास्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की भी वैल्यू दी गई है ना? तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों के दोनों एग्जाम पास हो जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे ए यूनियन बी वाला, ठीक है ना? लास्ट में देखो 20 वाला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0.5, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर ऑफ देम इज 0.1, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ये भी हो जाएगा, जिसको नहीं आ रहा वो देख ले। बस इसी फॉर्मूले से होगा, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ नहीं, इंटरसेक्शन यूनियन दोनों नहीं दिया है इसमें, यूनियन नहीं दिया है लेकिन इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है इसमें। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है फॉर्मूला आपका। अब आपको इसमें देखो क्या क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों के लिए दे दिया 0.5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे दिया 0.5, ठीक है? और क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर ऑफ देम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी की वैल्यू दी है आपको, क्या दी है वो? आवाज आ रही है शैलिजा? यस सर। हाँ, ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी की वैल्यू कितनी दी है 0.1, है ना? और आगे क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.5, इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश है ये हिंदी है, तो ये इसकी वैल्यू 0.75 दी है आपको, ठीक है? ये भी दे दिया आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है? इस बी की वैल्यू निकालनी है, इस बी की वैल्यू तब आएगी ना जब आपको ये तीनों पता हो, दो पता है, इसकी मदद से ये नहीं पता कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑल ऑफ देम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस अकरेंस ऑफ नन ऑफ देम, यही होता है ना? तो हम लोग ये जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए, मान लीजिए इवन ई टू, इवन ई टू अप टू ई एन, कई सारे इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवन यूनियन ई टू यूनियन अप टू ई एन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ई वन इंटरसेक्शन नॉट ई टू इंटरसेक्शन अप टू ई एन नॉट ई एन, आया समझ में? आया? तो हमें ये चीज दी गई है, इसकी मदद से हम लोग ये ए यूनियन बी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना आप? चलिए ठीक, लास्ट वाला देखो। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 30 ऑप्टेड एनसीसी एंड 30 ऑप्टेड एनएसएस। हाँ बहुत अच्छा है, आप लोग भी किसी कॉलेज में जहां पे भी जाएं एनसीसी में जरूर एनसीसी का पार्ट मतलब एनसीसी का हिस्सा बनने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? एनसीसी में होने से आगे करियर में बहुत फायदा मिलता है बहुत तरह का, ठीक है? चल, या एनएसएस में भी कर सकते हैं, एनसीसी का ज्यादा वैल्यू है। 60 स्टूडेंट हैं, 30 एनसीसी ले रखे हैं, 32 एनएसएस ले रखे हैं, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया, बी की वैल्यू दे दिया। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, ए यूनियन बी लिखा है। तो देखो ऐसे ही करेंगे, इजी क्वेश्चन है, हमको लगता है 16 वाले के अलावा और कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना? आगे सब तो हो ही गया, 16 वाले के लिए फिर दिमाग लगाते हैं, 5 मिनट हो जाएगा शायद, मेरे को लगता है, मेरी गट्स फीलिंग बोल रही है। इन ए क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? देर आर 60 स्टूडेंट, है ना? क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और एनसीसी लेने वाले कितने हैं? 30। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको मैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी? 30 आउट ऑफ 60। एनएसएस लेने वाले कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस क्या हो जाएगा? 32 आउट ऑफ 60। ये हो गया। एंड लास्ट में क्या बोला है कि एनसीसी और एनएसएस दोनों लेने वाले कितने हैं? 2, 4, 3, 6, 24। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 24/60। पहले आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी एंड या तो एनसीसी लिया हो या तो एनएसएस लिया हो, और का मतलब क्या होता है? यूनियन, मतलब एनसीसी या एनएसएस में से कुछ एक चीज लिया हो कम से कम, यानी कि एनसीसी लिया हो या एनएसएस लिया हो या दोनों लिया हो, ठीक है? ये चीज तो ये निकाल लेंगे, बहुत इजी है। अब नन ऑफ देम निकालने का, फिर आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी, नाइदर एनसीसी एंड नॉर एनएसएस, यही वाला फॉर्मूला जो अभी ऊपर लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है? एंड द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, ये वाला कैसे करेंगे? देखो देखो, एनसीसी बट नॉट एनएसएस बट नॉट एनसीसी, देखो कैसे करेंगे। इसके लिए ऐसे करिए कि एनएसएस हो बट नॉट एनसीसी, एनएसएस हो बट एनसीसी ना हो, तो एनएसएस में से एनसीसी वालों को माइनस कर दें, है ना? हम लोग ऐसा कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी नॉट एनसीसी, ऐसे लोग जो एनएसएस में हो बट एनसीसी में ना हो, तो आप जितने भी एनएसएस में लोग हैं उनको ले लें, उसमें से उनको माइनस कर दे जो दोनों में है, नहीं ठीक है? जैसे आपको आपके क्लास में मैथ के स्टूडेंट भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं और दोनों के भी हैं, तो आपको सिर्फ मैथ चाहिए, तो आप मैथ वालों को उठाएंगे और उसमें से उन लोगों को हटा दोगे जिन्होंने मैथ और बायो दोनों ले रखी है, उनको हटा देंगे तो सिर्फ मैथ वाले बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, ये हो गया सॉल्व, हो गया ना? ये लास्ट वाली चीज, आया समझ में? ठीक है, ये छोटी सी चीज थी। तो अब
16 वाले पे थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, देखें क्या है। तो ये वाला चैप्टर फिर कंप्लीट देखो। तो बस एक छोटा सा एरर यही था कि हम लोग और एंड की गलती कर रहे थे। यहाँ एंड नहीं और था, तो ये यूनियन हो जाएगा। यूनियन का फिर यहाँ पर ये डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू डी मॉर्गन्स। तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। अब ये कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.75। अब इसका मतलब क्या निकलता है, किसी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी आया है, यानी कि क्या ई इंटरसेक्शन एफ खाली होगा या इसमें कोई एलिमेंट्स होंगे। होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू फाई, नॉट एम्प्टी। दिस इंप्लाइज दैट ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली हो गया सॉल्व। समझ में आया बात। तो ये छोटी सी चीज थी, और कुछ? मेरी गट्स फीलिंग सही थी। चलिए थैंक्स आज की क्लास के लिए। और कोई डाउट्स रहे तो हम लोग पूछ लेंगे एक दूसरे से, मतलब आपको रहे तो हमसे पूछ लीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है ना। कोशिश कर, कल आप लोग कोई डाउट्स हो तो ले आना, नहीं तो फिर सीक्वेंस सीरीज कल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।